ईद के अवसर पर पटना में लोगों ने अपने घरों में ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की अपने घर में ही नमाज अदा करने के बाद प्रोफेसर सरवर इस्लाम ने कहा कि ईद की नमाज ईदगाह में ही होनी चाहिए, लेकिन इस महामारी के समय में हमारे रसूल ने भी अपने घरों में ही रहकर इबादत करने की हिदायत दी है, साथ ही सरकार का आदेश भी है, इसीलिए हम लोग अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। तो पटना में लोगों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज की, इसे लेकर प्रोफेसर सरवर आलम काफ़ी सख्ती से लोगों को हिदायत भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट आंखों देखी। पिछले साल की तरह इस बार भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जो नमाज पढ़ाई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस बार और दूसरा साल में फर्क नुमाया है। वो फर्क ये है कि इस बार जो दूसरी लहर लोग कर रहे हैं, है ना, हुकूमत तरफ से ये बात आ रही है कि इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात और इसकी ज़रूरत है। तो ख़ास तौर से जो ये आज ईद के मौके पर लोगों ने हुकूमत हिंद का की जो कानून है, जो ज़ाबते हैं, उनका भी खास ख्याल रखा गया है और खुद हर शख्स, हर फर्द अपने घर में, है ना, इसका एहतियात किया है कि ना बगैर मास्क के बाहर कहीं निकला जाए, है ना, और ना नमाज पढ़ने जाना है ईद में, मैंने घर ही में, तो अपने ही घरों में सब लोग जो है दूरी बना करके नमाज पढ़े हैं। इसलिए इस बार जो है बहुत ही लोगों ने एहतियात किया है और हुकूमत के कानून को जो है बहुत इसके उसका ये किया है, एहतराम किया है, क्योंकि भाई मुल्की ये कानून है। और फिर सबसे बड़ी बात, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत ज़रूरी है, हर इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी बचाने का इसके जो है अल्लाह ताला ने ये किया है ना, ज़िंदगी ज़ाय करने की चीज़ नहीं है, इसलिए ज़िंदगी को जो है करके इंसान सोशल डिस्टेंसिंग को जो है याद रखते हुए ईद की नमाज जैसे परसों पढ़ाई गई थी, इस बार भी इसी तरह से पढ़ाई गई है और इंशाल्लाह बहुत लोग हैं इससे खुश हैं कि भाई चलो तो कम से कम नमाज भी हुई घर में, है ना, और एहतियात भी किया गया। आंखों देखी।